अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और वेलकम टू सनास किचन रूटीन। तो आज मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं, पकोड़ा कड़ी, दही पकोड़ा और कड़ी, दही पकोड़ा की कड़ी सॉरी। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ आधा किलो दही, तो मैं इसको मिक्सी में एक दो राउंड ऐसा घुमा लूँगी। तो दही ली मैंने आधा किलो और अभी इसमें मैं ऐड करूँगी बेसन, तो ये ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा दोनों भी। तो यहाँ पर मैंने सम्राट का बेसन लियो और ये बड़ा स्पून है, टेबल स्पून से भी थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पर मैं दो टेबल स्पून बेसन ऐड करूँगी मैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा किलो दही को मतलब 500 ग्राम्स दही को इतना बेसन काफ़ी है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये अब इसको साइड में रखते हैं और बघार देते हैं अभी कड़ी को। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल गरम किया, अब इसमें मैं डालूँगी जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून है और गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून डालूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और हरी मिर्ची, क्रश्ड हरी मिर्ची जो मैं मेरे पास में हमेशा होती है, पीस के रखती हूँ मैं दरदरी सी, तो वो ऐड करूँगी मैं। तो वो आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो, जितना तीखा खाना पसंद करते हो आप वो हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैंने 2 टीस्पून कुछ ऐड की हूँ मैंने। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसकी जो रॉ स्मेल है ना वो निकल नहीं जाती, तब तक अच्छे से भून लेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके भी अच्छे से भून लेंगे इसको। और फिर इसमें ऐड करेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाली हूँ मैंने, तो ये भी इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो हमारा फेटा हुआ दही है ना वो ऐड करेंगे। तो ये दही जो है ये ऐड करते ही ना इसको अच्छे से स्पून इसका चलाते रहना है, चमचा इसमें हिलाते रहना है। और इसी के साथ साथ मैंने 2 ग्लास पानी भी ऐड करी हूँ ताकि वो अच्छे से पक जाए, कोई भी रॉ स्मेल ना रहे बिल्कुल भी, वो चाहे दही की हो या बेसन की हो, बिल्कुल भी कोई चीज़ की रॉ स्मेल नहीं होनी चाहिए, या नहीं तो फिर ना पूरी जो रेसिपी है वो बर्बाद हो जाती है। तो वो वजह से मैं अच्छे से भूनने का हमेशा आपको बोलती हूँ मैं कि अच्छे से कोई भी मसाला हो कोई भी चीज़ हो अच्छे से भून लेना चाहिए, बॉयल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू इसको चलाते रही हूँ इसको इसके अंदर स्पून, तो अब ये थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है और इसकी रॉ स्मेल भी ख़त्म होना शुरू हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। तो जब तक इसमें अच्छा सा एक बॉईल नहीं आता है ना तब तक इसको आप हिलाते रहना ताकि जो आपकी दही है वो फटे नहीं और अच्छे से दोनों दही बेसन और जो मसाले हैं हमने स्टार्टिंग में ऐड किए तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर बॉईल आ चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू, 1/2 नींबू लूँगी मैं और उसका जो जूस है वो ऐड करूँगी, उसके बीज वगैरह निकाल लेना, जूस अलग से निकाल लेना चाहे तो और फिर ऐड कर लेना, नहीं तो बीज अगर इसमें जाएगी ना तो फिर जो कड़ी है आपकी थोड़ी सी कड़वी जैसी टेस्ट आएगा उसमें, थोड़ा सा तो कड़वा जैसा ना टेस्ट आता है, तो वो वजह से अलग से आप एक बाउल में निकाल लेना उसका जूस और फिर इसमें ऐड कर लेना। तो ये अच्छे से बॉईल होने के बाद में मैंने इसमें स्पून चलाना रुकाई हूँ। हाँ तो ये देखिए मैंने इसमें नींबू भी ऐड की, नींबू ऐड करके मैंने लेमन जूस ऐड करके अच्छे से इसको वापस से मिक्स कर ली हूँ अच्छे से। और फिर बाद में इसमें मैं अब ऐड करूँगी नमक, नमक और लेमन जूस लास्ट में ऐड करके, जब बॉईल हो गई ना कड़ी उसके बाद में ऐड करके आप उसको अच्छे से मिलाएंगे ना तो आपकी कड़ी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि फट जाती है कड़ी, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा, देख सकते हो आप क्या बिल्कुल भी ज़रा भी किधर भी फटे हुआ ऐसा दिख रहा नहीं है, अच्छे से मिक्स हो गया है सब, ये देखिए। और इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कुछ इस तरह रखी हूँ, ज़्यादा पतली पसंद नहीं है मुझे तो ये वजह से मैंने इस तरह रखी हूँ इसको। और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ी सी पतली कर सकते हो। और ये कड़ी हमारी बन के रेडी है, तो इसमें मैंने ऐड किया हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर और उसको ढक के साइड में रख देना है। और फिर यहाँ पर मैंने एक छोटा सा भगोना लिया, उसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड करके, तेल गर्म होने में उसके अंदर मैंने राई डाली हूँ, मस्टर्ड सीड्स,
तो राई जब डालें, राई डालने के बाद में जब वो थोड़ी सी क्रैकल होना शुरू हो जाएगी तो उसमें फिर सूखी हुई लाल मिर्च डाल देनी है, और उसी के साथ में थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जो करी लीव्स होते हैं ना वो, तो ये भी सब अच्छे से डाल के इसको थोड़ा सा फिर बाद में इसमें मैंने ऐड की हींग, हींग हाफ टी स्पून है, और उसी के साथ साथ डालूंगी मैं कसूरी मेथी, ड्राइड कसूरी मेथी जो होती है ना वो वाली, तो ये भी इसमें डाल के ये हमारा बघार भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें इसको है ना कढ़ी में ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो कढ़ी में डालते ही ना इसको ढक लेना है, तो इसकी जो खुशबू है ना, जो भी अरोमा है इसमें, तो वो सब कढ़ी में आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने पकौड़ा बनाने के लिए 4 से 5 बड़े बड़े प्याज स्लाइस कर ली हूँ, रफली स्लाइस कर लेना है आपको जैसे चाहो वैसे। और फिर उसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट ऐड की हूँ, लहसुन का पेस्ट, और उसमें थोड़ी सी कोथमीर ऐड की हूँ मैंने, और यहाँ पे मैंने कढ़ी में भी कोथमीर ऐड नहीं की थी तो उसमें भी डाल रही हूँ मैं कोथमीर। और फिर इसमें पकोड़े में हम पकोड़े का जो मिक्सचर है उसमें हम डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्ची, तो ये भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसमें डालूंगी नमक, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके में फटाफट बन जाती है, और कोई झंझट नहीं कुछ नहीं, और लेकिन टेस्टी बहुत होती है। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं बेसन, तो बेसन 4 से 5 टेबलस्पून ऐड की हूँ मैंने, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो और भी ऐड कर सकते हो, उसका कुछ मेजरमेंट या तो क्वांटिटी ऐसी कुछ नहीं है, वो आपके हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। और साथ ही साथ ना इसमें थोड़ा सा मैं खाने का सोडा ऐड करूँगी, क्यों तो मैं कढ़ी में डालने वाली हूँ ना ये, तो थोड़े से सॉफ्ट अगर जो पकौड़े होंगे ना तो वो कढ़ी में अच्छे से सूख जाएंगे ना, मतलब कढ़ी भी सोख लेंगे वो, तो वो वजह से मैंने थोड़ा सा खाने का सोडा ऐड किया। अगर ऐसे ही ड्राई पकोड़े आप खाने चाहते हो तो फिर उसमें जो ये मिक्सचर मैं अभी मिक्स कर रही हूँ तो इसमें पानी भी ऐड नहीं करते और खाने का सोडा भी ऐड नहीं करते, वो तो ऐसे ही क्रंची क्रंची अच्छे लगते, लेकिन जब कढ़ी में डालने हो ना तो थोड़े से सॉफ्ट अच्छे लगते। तो ये देखिए मुझे ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और मैंने बेसन ऐड किया उसके अंदर, और बस ये मिक्सचर हमारा बन के रेडी है। इसको फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, और ये देखिए बन के हमारे पकोड़े रेडी है, इतने सॉफ्ट है देखिए आप, तो ये अच्छे से कुक हो गए, लो टू मीडियम पे आप फ्राई कर लेना है इसको। ये देखिए अंदर से भी अच्छे से कुक हो गए, अब इसको मैं डालूंगी कढ़ी में, और जब भी खाने का टाइम हो जाए उसके 10 से 15 मिनट पहले आप कढ़ी में पकौड़ों को भिगो कर रख देंगे ना, तो वो जो कढ़ी उसके अंदर जो चले जाती है ना पकौड़ों में, तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो इसलिए पहले जब भी आप खाने बैठोगे उसके पहले कढ़ी में पकौड़े भिगो के रख देना। तो यहाँ पर मैंने जो इसका बघार ऊपर से दी थी तो वो मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और फिर इसके अंदर ऐड करूँगी पकौड़े, और इसको स्टीम राइस के साथ में भी बहुत अच्छे लगते हैं ये, प्लेन राइस के साथ में या स्टीम राइस के साथ में, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। बनाकर जरूर देखना एक टाइम, बिल्कुल इजी और क्विक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पर मैंने प्लेटिंग करने के लिए थोड़े से राइस ले ली हूँ एक बाउल में, उसको पहले ही निकाल के रख ली थी मैंने गरम राइस, तो राइस ले ली हूँ मैंने, प्लेन राइस है ये, और इसके साथ में मैं यूज़ करूँगी, सर्व करूँगी कढ़ी। सर्दियों में गर्मा गर्म कढ़ी चावल, थोड़ी सी प्याज, ये किसको नहीं पसंद आता है, एक बार ट्राई करके देखना, बिल्कुल इजी मेथड में है और इजी तरीके में है, बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं, कोई मगजमारी नहीं, फटाफट से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लेना,
और रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती है तो मुझे भी शेयर कर लेना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।